स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट समर स्टार्ट हो गई है तो मैंने सोचा क्यों ना ऑर्गेनिक में कुछ कूलिंग इफेक्ट डाला जाए। और उस इफेक्ट के लिए हम कूलिंग कैसे कर सकते हैं, हम तो रिएक्शन पढ़ सकते हैं। तो मैंने सोचा अब रिएक्शन जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हम रिएक्शन ऐसी लें जिससे कूलिंग इफेक्ट आए। तो मैंने टॉपिक स्टार्ट कर दिया, कौन सी रिएक्शन, हाइड्रेशन रिएक्शन स्टार्ट किया है। और हाइड्रेशन रिएक्शन में हम आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे ये हमारा टॉपिक होगा एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स हमने लास्ट 3 लेक्चर्स में रिवीजन अपना शेड्यूल चल रहा है, रिवीजन सेशन में हमने क्या डिस्कस कर चुके हैं, हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डिस्कस कर चुके हैं, हम एलिमिनेशन डिस्कस कर चुके हैं एंड सब्स्टिट्यूशन वर्सेज एलिमिनेशन को भी हमने कवर कर दिया है। क्लियर? तो नेक्स्ट रिवीजन सेशन में हमारी कूलिंग इफेक्ट की समर्स के लिए रिएक्शन है विच इज हाइड्रेशन रिएक्शन। राइट डाउन द हेडिंग और हम क्या पढ़ने वाले हैं आज, एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन पढ़ने वाले हैं। एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन क्या होता है? हाइड्रेशन किसी भी मॉलिक्यूल का, जब भी किसी भी मॉलिक्यूल में वाटर जब ऐड हो जाता है तो क्या मिलता है आपको, जो प्रोडक्ट मिलता है उसको प्रोडक्ट मतलब जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, हाइड्रेशन बोला जाता है। मतलब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, एल्कीन में पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा वही उससे क्या हो जाएगा, एल्कीन का हाइड्रेशन हो जाएगा क्योंकि वॉटर उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो एक एग्जांपल है कि मैं आपको क्लियर करती हूँ। फॉर एग्जांपल दिस इज एल्कीन इज रिएक्ट विद वॉटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड विच इज एच प्लस एंड द प्रोडक्ट फॉर्म इन दिस रिएक्शन इज दिस वन। तो वॉटर एड हो गया और क्या फॉर्मेशन होगी, OH की फॉर्मेशन होगी, एल्कोहल बन गया इस रिएक्शन में। इसी रिएक्शन को क्या बोला जाता है, एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। क्लियर? एक बार हम क्या करते हैं इसकी मैकेनिज्म को डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमसे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। तो देखो कैसे क्वेश्चन कैसे रिएक्शन होती है। सबसे पहले जो वाटर मॉलिक्यूल है वो किसके साथ रिएक्ट करता है, जो हमने एसिड डाला हुआ है उसके H प्लस आयन के साथ रिएक्ट करेगा। देन इट विल फॉर्म H3O पॉजिटिव आयन विच इज नोन एज हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रोनियम आयन। क्लियर? देन क्या होगा, देखो नेक्स्ट स्टेप में ये है एल्कीन, इस एल्कीन पे रिएक्शन होगी। किस तरह से रिएक्शन होगी, देखो इस एल्कीन पे इस हाइड्रोनियम आयन का जो H प्लस एक्स्ट्रा हमने लिया हुआ है वो H प्लस रिएक्ट करेगा किसके साथ, इस एल्कीन के साथ। अब क्यों होगा ऐसा, वैसे तो आपने रिएक्शन केंद्र में पढ़ा हुआ है, फिर एक बार सुन लो। एल्कीन जो होती है वो किसके तरह एक्ट करती है, एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। इसके पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इसके पास है तो ये ऑलवेज क्या ट्राई करता है कि इसको कहीं से क्या मिल जाए, कोई इलेक्ट्रोफाइल मिल जाए। तो ये क्या करता है, यहाँ से हाइड्रोनियम आयन का जो H प्लस है वो इसके साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। और जैसे ये रिएक्ट करता है तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लगेगा और ये H प्लस इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। देखो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जब इस कार्बन की तरफ आएंगे तो इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो जाएगी, ये H प्लस क्या होगा इस पे रिएक्ट करेगा। और रिएक्ट करने के बाद हमारा जो रिएक्शन का जो प्रोडक्ट मिलेगा, इस प्रोसेस का जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा। और हमें क्या मिल चुका है, इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट मिल गया। ये इस रिएक्शन का RDS होता है, स्लो स्टेप होता है। क्लियर? अब जब भी कोई रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या होता है, कार्बोकेटाइन, तो क्या होता है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। क्लियर? अभी मैंने जो कंपाउंड लिया हुआ है उसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। तो देखो अब आगे क्या होगा, तो जैसे H प्लस गया वॉटर इसके साथ आ गया। क्लियर? अब क्या होगा, ये आपके पास एल्कीन, ये कार्बोकेटाइन, अब इसके साथ कौन रिएक्ट करेगा, वॉटर
जो खुद एक क्या है न्यूक्लियोफाइल है, ये इस एच पॉजिटिव आयन पे जैसे ही अटैक करेगा कुछ ऐसा मिल जाएगा। वाटर अटैक करने के बाद जैसे अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ से एच प्लस रिमूव, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाएंगे, ऑक्सीजन को। याद रखना जब भी वाटर H3O पॉजिटिव के फॉर्म में होता है तो वो ऑलवेज ट्राई करता है कि उसका H प्लस क्या हो जाए, रिमूव हो जाए और वो किसमें कन्वर्ट हो जाए, स्टेबल मॉलिक्यूल में, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल में वो कन्वर्ट हो जाए। तो क्लियर होगी मैकेनिज्म में क्या ध्यान रखना है। देखो आपको इस मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट कैन बी पॉसिबल, देन हमें अटैक करना है उस पे किसका, हाइड्रोनियम आयन का। क्लियर, अब इसके क्वेश्चंस लेते हैं अपन। फॉर एग्जाम्पल हमें ये दिया गया, हमें इसकी रिएक्शन करानी है किसके साथ, H2O H प्लस के साथ। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले H प्लस रिएक्ट करेगा, या आप ये बोल दो कि हाइड्रोनियम आयन रिएक्ट करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरह से शिफ्ट होंगे और ये आपको क्या मिलेगा, कार्बोकेटाइन, और वाटर इसके साथ पार हो जाएगा। उसके बाद इस कार्बोकेटाइन में क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा, 1,2-हाइड्राइड शिफ्ट होगा क्या इसमें, 1,2-हाइड्राइड शिफ्ट, यहां से हाइड्रोजन यहां माइग्रेट करेगा ताकि उसको क्या मिल जाए, कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी मिल जाए। क्लियर, और उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल का यहाँ पे अटैक, ये गया और इसने बना दिया ये, और इससे H प्लस हो गया रिमूव और कुछ ऐसा 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 ऐसा, अरे मैंने कार्बन कम कैसे कर दिए, सही है। तो कुछ ऐसा हमें प्रोडक्ट जो है इस रिएक्शन का मिल जाएगा। क्लियर, तो नेक्स्ट एक और लेवल डिस्कस करते हैं। स्टीरियो, अगर हम स्टीरियो का कोई क्वेश्चन आ जाए, फॉर एग्जांपल मैं स्टीरियो का क्वेश्चन लेने से पहले आपको इस तरह से एक एग्जांपल लेके क्लियर करके बताती हूँ मैं आपको। ये आपको यहाँ इस तरह से कंपाउंड दिया हुआ है CH3 C2H5 देन दिस वन, और आपको वही बोला गया कि वॉटर और एच प्लस की रिएक्शन कराओ। यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा उसकी आपसे स्टीरियो पूछ ली कि क्या होगी इसकी स्टीरियो। तो देखो स्टीरियो केमिस्ट्री देख लेते हैं हम इस रिएक्शन की। तो स्टीरियो केमिस्ट्री किस तरह से डिसाइड करनी है स्टूडेंट्स, आपने इस रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट होगा, कौन इंटरमीडिएट, तो मैं इस रिएक्शन को ही ले लेती हूँ, ये मैंने लिया C2H5, ध्यान से समझना, कूलिंग इफेक्ट की रिएक्शन चल रही है, समर्स में तो वैसे ही चाहिए हमें पानी, एल्कीन को भी चाहिए पानी, तो दे देते हैं उसको पानी, वाटर दिया उसको H2O, पानी क्या H2O देंगे हम। तो ये कुछ ऐसा बनाएगा क्या, देखो ये बन गया कार्बोकेटाइन। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा रीअरेंजमेंट, हो गया रीअरेंजमेंट, 1,2-हाइड्राइड शिफ्ट, यहां से हाइड्रोजन को ले जाओ यहां पे, तो कुछ ऐसा 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 और कुछ ऐसा बन गया, ये एच यहां गया तो ये कार्बोकेटाइन यहां मिल गया आपको। क्लियर, अब क्या होगा, अब इसमें वॉटर मॉलिक्यूल जब अटैक करेगा तो वॉटर मॉलिक्यूल के अटैक करने की जो पॉसिबिलिटी है वो दोनों डायरेक्शन से है, वो कार्बोकेटाइन क्या होता है प्लेनर होता है, टुवर्ड्स द व्यूअर भी अटैक हो सकता है और अवे फ्रॉम द व्यूअर भी अटैक पॉसिबल है। तो अगर ये आपका प्रोडक्ट, मतलब जब रिएक्शन में जब आप इस तरह से प्रोडक्ट बनाओगे, फॉर एग्जांपल ये मैंने किया और ये मेरा न्यूक्लियोफाइल आ गया यहाँ पे वॉटर, मतलब मैं फाइनली OH आएगा तो वो OH लिख गया, तो एक बार तो आ गया ये टुवर्ड्स द व्यूअर, एक बार आ गया ये अवे फ्रॉम द व्यूअर। क्लियर, तो अब आपको इसकी स्टीरियो बतानी है, ये भी 50% बनेगा, ये भी 50% बनेगा। अगर ये दोनों काइरल हुए तो क्या होगा, इन दोनों एनेंशियोमर बनेंगे और एनेंशियोमर का 50-50% सॉल्यूशन क्या होता है, रेसिमिक होता है, बट क्या हुआ, ये भी इथाइल, ये भी इथाइल, दोनों इथाइल, इसका मतलब
ये दोनों कंपाउंड में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बोथ आर आइडेंटिकल, कोई रेसेमिक मिक्सचर नहीं मिलेगा। तो स्टीरियो हम अगर बोले तो नो रेसेमिक मिक्सचर या नो रेसिमाइजेशन, क्लियर। अगर ये इथाइल की जगह कुछ और होता तो जरूर हमें क्या मिलता, रेसिमाइजेशन मिलता। 50-50% पेयर ऑफ एनेंशियोमर हमें फॉर्म होते इस रिएक्शन में, क्लियर हुआ। कार्बोकेटाइन अप अटैक डाउन अटैक दो प्रोडक्ट, अब अगर वो काइरल हुआ तो वो दोनों प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, रेसिमाइजेशन को फेवर करेंगे, क्लियर हो गया। हमने रिएक्शन की मैकेनिज्म देख ली, स्टीरियो से रिलेटेड क्वेश्चन देख लिया, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमें कुछ दिया, इसके हमें रिएक्शन करानी है किसके साथ, वही H2O H+ के साथ। अरे बहुत इजी क्वेश्चन लगने लग जाएंगे आपको। अब क्या करोगे आप, क्या इसका प्रोडक्ट मैं डायरेक्टली आपको बना के बताऊं तो ये वाला बनेगा क्या, यही बनेगा, होगी कैसे रिएक्शन देख लेना एक बार, मैंने आपको मैकेनिज्म बता दी है, क्लियर। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर ये रिएक्शन दी हुई हो, मतलब इसकी हमें H+ के साथ रिएक्शन करानी हो, तो क्या प्रोडक्ट कुछ इस टाइप से बनेगा क्या, देखना चेक कर लेना आप, ये इंटरमीडिएट बनेगा, फिर इस पे वाटर का अटैक होगा और फिर आपको ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा, मैकेनिज्म के थ्रू चले जाना, ठीक है। वैसे आपको मैकेनिज्म में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन एंड उसका रीअरेंजमेंट, फिर उसमें क्या डालना है आपको, OS डालना है। स्टीरियो का क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना कि अगर रिएक्टेंट आप जो आपने रिएक्शन कराई इंटरमीडिएट बना, फिर उसमें आपने अप अटैक एंड डाउन अटैक कराया और उसके बाद अगर आपको पेयर ऑफ एनेंशियोमर मिले, काइरल हुआ कंपाउंड, देन रेसिमाइजेशन होगा, अदरवाइज दोनों कंपाउंड क्या होंगे, आइडेंटिकल। बहुत सिंपल रिएक्शन थी, हमने H2O एड किया, एल्कीन का क्या हो गया, हाइड्रेशन हो गया, कूलिंग इफेक्ट मिल गया आपको इसका एल्कीन का, क्लियर। तो आज का लेक्चर इतना ही, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, प्लीज अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप टेलीग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय किरण से। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।